चलिए कोई बात नहीं। जो पोस्टर, हम तो लखनऊ में नहीं रहते, लेकिन जो पोस्टर खबरों के माध्यम से आया है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, और रामचरितमानस पर जो टिप्पणी हो रही है, और जाति जनगणना का मामला, उसका एक पक्ष तो ये लगता है कि जो ओबीसी पॉलिटिक्स है वो अपने को कहीं ना कहीं गोलबंद कर रही है, और एक तरह से जो है वो बीजेपी से मुठभेड़ करने के लिए, या जो है जो भी अगला आगामी चुनाव है उस चुनाव में अपनी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए एक मामला कर रही है। मुझे जो है वो इसमें कई एंगल लगता है। तुलसीदास और उनका रामचरितमानस तो ऐसे ही आ गया है चपेटे में, और तुलसी की जो एक तरह से जो है वो जो पंक्तियां हैं उन पर जो समाजवादी आंदोलन के एक बहुत महान विचारक, मैं कहूंगा महान विचारक, सत्ता सेनानी और जाति तोड़ो आंदोलन के अग्रणी विचारक और राजनेता, समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी रामायण मेला के बहाने जो कुछ लेख लिखे थे 1960 और 61 में, उसमें तुलसी पर उन्होंने टिप्पणियां की। और तुलसी पर और भी कई किताबें हैं, और नागार्जुन जी की भी टिप्पणियां हैं, तमाम लोगों की टिप्पणियां हैं, प्रेमचंद की है। तो तुलसी को और रामचरितमानस के बहाने एक जो विवाद हो रहा है, दूसरा पहलू जो है वो जाति जनगणना के बहाने हो रहा है। इसमें मुझे जो है वो जो एस्पेक्ट दिखाई पड़ता है, एक तो मुझे इसमें जो राजनीतिक पक्ष है जनाधार बढ़ाने के लिए, वोट का विस्तार करने के लिए, वो मुझे एक पक्ष दिखाई पड़ता है, और वो जो है निश्चित तौर पे किसी भी पार्टी का अधिकार है, जो भी आप चीज पाए उसके माध्यम से आप अपना अपने को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो पक्ष मुझे लगता है वो है हिंदू बनाम हिंदू की जो बहस है, जिसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्वयं उठाते थे, एक तरफ उदार हिंदू है, एक तरफ कट्टर हिंदू है। निश्चित तौर पर इस दौर में हिंदू कट्टर हो रहा है, तो जो लोग इस बहस को उठा रहे हैं वो कितना जो है वो उसको ले जा रहे हैं। तो एक एक पॉलिटिकल लेबल है, वोट का लेबल है, रिफॉर्म का लेबल है, और डायलॉग का लेबल है, और डिबेट और डिस्कशन का जो लेबल है वो जो है वो चल रहा है। तो इसमें जो दो तीन एंगल मुझे ये दिखाई पड़ते हैं कि जो समाजवादी पार्टी, संजोग से जितने लोग तुलसी के रामचरितमानस पर, उनकी पंक्तियों पर आपत्ति जताने वाले, उसको नफरत फैलाने का ग्रंथ बताने वाले लोग हैं, वह एक क्रम से आप देखिए तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सहयोगी या शिष्य रहे, और चाहे वो आप रामस्वरूप वर्मा का नाम ले लीजिए, कोई डॉक्टर लोहिया के अनन्य सहयोगी थे, अर्जक संघ उन्होंने बनाया, चंद्रशेखर यादव जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बैकग्राउंड उस तरह से नहीं है सोशलिस्ट का, लेकिन जिस पार्टी में है वो डॉक्टर लोहिया को अपना एक तरह से आदर्श पुरुष मानती है। तो डॉक्टर लोहिया का क्या स्टैंड है ये जरूर हम लोगों के सामने आना चाहिए। मैंने संजोग से जो है समता मार्ग में एक लंबा लेख भी लिखा है, और उसका शीर्षक यही है कि लोहिया के लिए चाहिए मोती कूड़ा विवेक। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि राम तुलसी के लिए चाहिए मोती कूड़ा विवेक। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि तुलसी में बहुत कुछ जो है गड़बड़ चीजें हैं, और अपने युग के अनुरूप तुलसी कहीं ना कहीं स्थिर है या उनकी वो मानसिकता है, और तुलसी ने क्या किया है कि जो है वो उस मानसिकता से ग्रसित होके वर्णाश्रम धर्म की उन्होंने पैरवी की है, और जो उचित नहीं है। तुलसी अपने जो जो है वो शूद्र पात्र हैं, जो स्त्री पात्र हैं उनको नीचा दिखाते हैं, और दुज पात्रों को अनावश्यक रूप से ऊपर उठाते हैं। लेकिन तुलसी सिर्फ इतने ही नहीं, और तुलसी का जो और साहित्य का और लोक का जो लोक की समझ का जो विस्तार है, उनकी अपनी विनम्रता का जो विस्तार है, और उनका जो पूरा जीवन संघर्ष है, वो उसको समग्रता में अगर आप लेंगे तो पाएंगे तुलसी निजी जीवन में छुआछूत और भेदभाव और निजी व्यवहार में किसी से जो है कोई वो सब करने से अलग है। और सबसे बड़ी चीज लोहिया तुलसी को इसलिए जो है वो ओके करते हैं, तुलसी को इस तरह से अनुमोदित करते हैं लोहिया, क्योंकि तुलसी ने
जो भाषा में रामचरितमानस लिखा या रामायण जिसका प्रयोग लोहिया बार बार रामायण का प्रयोग करते हैं, उससे जो हिंदी का विस्तार है और हिंदी समाज की जो सांस्कृतिक क्रांति है उसको करने में लोहिया को सुविधा दिख रही थी, इसीलिए वो रामायण मेला के आयोजन की बात करते हैं। तो इस तरह से तुलसी की जो उपयोगिता है, और तुलसी के बारे में एक बात मैं यहाँ ये भी कह दूं कि तुलसी के बारे में फिराक एक बात कहते थे कि बचपन में मैंने 4 आने की गुटका खरीद ली थी और मैं पढ़ के समझ गया था कि ये बहुत विराट कवि है, हम लोग इसके घुटनों के बराबर भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए इससे भिड़ने उड़ने का कोई मतलब नहीं है। वो ठीक है, अरस्तु में भी दास प्रथा का समर्थन है, प्लेटो में भी है, और कार्ल मार्क्स जो है अपनी राइटिंग में पूरे यूरोपियन सुपीरियरिटी की मेंटेलिटी से ग्रसित है, ये मैं इस मंच से कह रहा हूँ पूरी प्रामाणिकता के साथ कि दुनिया का जो भवतव्य है वो यूरोप की है, दुनिया को उसी रास्ते पर जाना है और कोई रास्ता नहीं है। अरुण जी, इसका ये लगता भी है कि कहते हैं कनेक्शन करण है का विकास करेंगे, तो बहुत सारे महान विद्वान लोगों के साहित्य में बहुत सारी दिक्कतें हैं और उसको अगर हम काटने निकालने जलाने लगेंगे तो पता नहीं कितने ग्रंथों को हमें जलाना पड़ेगा, इसकी कोई हमको वो नहीं है। लेकिन अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है उत्तर प्रदेश की, उसमें मुझे लगता है कि जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अंबेडकर और लोहिया के बीच में एक ऑसिलेशन हो रहा है समाजवादी पार्टी। लोहिया के ट्रैक पर चलने वाली पार्टी थोड़ा अंबेडकर से भी ग्रहण करने की कोशिश कर रही है, और इसलिए जो ब्राह्मणवाद है, हिंदू कट्टरता है, उससे जो है एक अलग तरह से टकराने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से लोहिया नहीं टकराते थे। अगर टकराते होते तो रामकृष्ण शिव पर इतना बड़ा व्याख्यान न देते। अंबेडकर टकराते थे, अंबेडकर का रेडियल सीन हिंदुइज्म है, जाति प्रथा का समूल नाश है, और भी तमाम चीजें हैं, एंड हु वी आर शूद्राज है, उनका तो मशहूर ग्रंथ है, जब शूद्रों हमें शूद्र पर गर्व होना चाहिए तो हु वी आर शूद्राज पढ़ना चाहिए, या राम शरण शर्मा का प्राचीन भारत में शूद्रों का इतिहास पढ़ना चाहिए, या विवेकानंद का जो कथन है भारत शूद्रों का होगा उसको देखना चाहिए। तो आज ग्रंथों के आधार पर कोई व्यक्ति शूद्रों से ये नहीं कह सकता, जिनको शूद्र आप कहते हैं, मुझे तो शब्द भी नहीं प्रयोग करना चाहिए, कि आप जो है निम्न हो, आप इसी पद पे रहो, यहाँ रहो वहां रहो। लेकिन एक रिवाइवल हो रहा है, उस रिवाइवल को क्या इन एजेंडा से काउंटर किया जा सकता है? क्या हम डीएमके मूवमेंट और जस्टिस मूवमेंट के तर्ज पर उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में कोई आंदोलन खड़ा करने की तैयारी किए हुए हैं, जो पेरियार की, रामायण और तमाम चीजों की? अगर वैसा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये सिर्फ चुटकी काटने वाला और जो है वो थप्पड़ मार के भाग जाने वाला मामला है, तब आप जान लीजिए कि जो रिएक्शनरी फोर्सेज है वो बाउंस बैक करेंगी और वो फिर जो है ज्यादा बड़ी ताकत के साथ जो है उपस्थित होगी। तो मुझे इसमें यही खतरे लग रहे हैं। बाकी तुलसी की आलोचना कीजिए, फिर कबीर भी आलोचना के निशाने पे आएंगे, कबीर में भी स्त्रियों के खिलाफ बहुत कुछ है, और वो मैं तो एक दिन कबीर के पद सुना रहा था पत्नी को जाते हुए रास्ते में, तो वो बहुत नाराज हो गई कि ये क्या तुम स्त्रियों के विरोधी प्रसंग सारे सुना रहे हो, तो जबकि हम लोग कबीर को बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत आदर करते हैं। तो हर कवि में बहुत कुछ दुर्गुण है, अवगुण है, लेकिन तुलसी ने यही कहा है कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो, कहू काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बेगार न हो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, मोको कहो जो तो को सुहाऊ, और मांग के खैबो मसीद मसोईबो, लईबे के एक न जईबे के। तो और जिसमें यह विनम्रता है कि जो है कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मत अनुरूप राम गुण गाऊं, एते ऊपर करिहे जे अशंका, मोहिते अधिक मूढ़ मत रखा। तो तुलसी का जीवन जो है, तुलसी की जो रचनाएं हैं, वो लोक जीवन के बहुत सारी अनुभवों से जो है वो एक तरह से समृद्ध है, और इसीलिए तुलसी एक किंवदंती के रूप में बन चुके हैं। तो हम कितना उनको मतलब एडिट कर पाएंगे और कितना रख पाएंगे, ये कठिन चुनौती है, लेकिन देखिए क्या होता है। जी हाँ, हमने अभी हाल में देखा कि तुलसी के समर्थन में जो लोग आए उसमें शूद्र नहीं थे, उसमें पिछड़ी जातियों के लोग नहीं थे, ज्यादातर अगड़ी जातियों के लोग थे। आपने जो बात कही 70 का दशक याद है, सरिता मुक्ता जैसी पत्रिकाएं थी, विश्वनाथ होते थे संपादक, उनसे ज्यादा बड़ा हमला मैंने नहीं देखा है। अभी भी हम लोगों के साथी हैं दिलीप मंडल, जो लोहियावादी नहीं है।